से बाहर निकलते हैं तो बच्चे जिद करते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत ही जिद करते हैं कि मुझे फ्रेंच फ्राई ही खाना है। तो आज मैंने घर पे फ्रेंच फ्राई बनाई है तो एकदम बाजार जैसी, जैसे हम कैफे में खाते हैं बिल्कुल वैसी कुरकुरी फ्रेंच फ्राई चलो घर पे बनाते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 जितने आलू लिए हैं, यहाँ मैंने नॉर्मली आलू लिए हैं, लेकिन आलू है वो थोड़े ऐसे कड़क होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इसके छिलके को निकाल देना है। तो हम सारे आलू को छिलके को निकाल देंगे। आलू के छिलके को निकालने के बाद हमें दोनों साइड से ऐसे थोड़े से कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद इस तरह से ऐसे लंबे लंबे चौड़े पीसेस कट कर लेने हैं। तो हमारा फ्रेंच फ्राइज का कटिंग बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो आलू में स्टार्च का भाग बहुत ही होता है, तो हम इसे 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे। इसके बाद गर्म पानी में हमें इस सारे चिप्स को डाल देना है और थोड़ा सा नमक डालना है। इसके बाद 3 से 4 मिनट तक हमें इसको उबालना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमें डायरेक्ट इसे ठंडे पानी में डाल देना है और उसके बाद हमें पंखे के नीचे आधे घंटे इसको सुखा देना है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो ये कितनी ड्राई हो गई है। और इसके बाद सारे चिप्स को हमें ऐसे एक ट्रे में भर लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डाल दिया है और सभी चिप्स में हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में फ्रीज कर देना है ताकि कॉर्नफ्लोर है वो चिप्स में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। 3 घंटे के बाद मैंने चिप्स को फ्रिज में से निकाल दिए थे, तो अब हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को पहले से ही स्टोव पर रख दिया है और इसको हमें एकदम हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। एकदम गर्म तेल आ जाए तो इसके बाद हमें चिप्स को डाल देना है और थोड़ी देर में बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है। और जैसे ही ऐसी थोड़ी फ्राई हो जाए यानी कि थोड़ी तल जाए, इसके बाद हमें इसको निकाल देना है। हम होटल या फिर कैफे में जब हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो जितनी मैंने आगे प्रोसेस की वो प्रोसेस वो लोग पहले से ही कर लेते हैं ताकि टाइम है वो बच जाए। और इसके बाद इस तरह से एक बार फ्राई करके वो लोग फ्रीज़र में इसको फ्रीज कर देते हैं। जब हम फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर देते हैं तो एक बार वो फ्राई करके इसे क्रिस्पी बनाकर हमको दे देते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा बन गई थी फ्रेंच फ्राइज, तो मैंने भी सील पैक बैग में इस तरह से स्टोर करके फ्रीजर में रख दिया है। दूसरी जो बची है वो हम फिर से फ्राई करेंगे। बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है और हल्का ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक हम इसे मीडियम टू लो गैस पर फ्राई करेंगे। जैसे ही ऐसा कलर आ जाए और ये एकदम ऐसे क्रिस्पी बन जाए, इसके बाद हमें इस तरह से एक बाउल में इसको निकाल देंगे। आप इसकी आवाज़ पर से ही आप देख सकते हो कि कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह हम सारी फ्रेंच फ्राइज है वो इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बाउल में निकालने के बाद सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो, और थोड़ी सी मैंने यहाँ ऊपर से लाल मिर्च को भी डाल दिया है। हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट फ्रेंच फ्राइज एकदम तैयार है। केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, वो केचप के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अब बच्चे जब भी जिद करे फ्रेंच फ्राइज की तो आप इसे कभी भी रुलाएगा मत, और आपको बाजार में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस तरह से एक बार में ही फ्रेंच फ्राइज बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, और जब भी आपका मन हो या फिर बच्चे जिद कर रहे हो तब फ्रिज में रखी हुई फ्रेंच फ्राइज को 10 से 15 मिनट पहले निकाल कर फिर से उसे फ्राई कर लीजिए।
तो गरम गरम बनाकर उसको दीजिए, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपकी फ्रेंच फ्राइज कैसी बनी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, आपकी एक लाइक है वो ही मुझे बहुत ही मोटिवेशन देती है इसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की, और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।